Hi guys, in this session we want to discuss about the JSP. Okay, so guys, we have a question. What is the JSP? We can say JSP is a server side technology of Java for develop the dynamic web pages. JSP is a server side technology of Java for develop the dynamic web pages. Also, we can say JSP is a extension of a servlet, or we can use JSP as a replacement of a servlet. मतलब guys, आप servlet की जगह पे किसे use कर सकते हैं, JSP को भी use कर सकते हैं. So guys, we have a very more important question. Why JSP launch if servlet is exist? मतलब JSP क्यों launch किया गया अगर आपके पास already क्या है, servlet है. तो ऐसे कहते हैं, servlet having a some limitations. For recover that, JSP comes in picture. मतलब servlet के कुछ ऐसे limitations है जिन limitation को cover up करने के लिए JSP market में आया है. So पहला limitation क्या है? The first limitation is in servlet we need to write manually code for everything, but in JSP, right, we get the inbuilt objects, inbuilt tags, as well as facility to use the some external tag libraries. ओके मतलब अगर हम सर्वलेट करते हैं तो सर्वलेट में हमें हर एक चीज के लिए कोड लिखना पड़ता है. आर यू क्लियर और नॉट? सर्वलेट में हमें हर एक कोड के लिए हर एक चीज के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा. बट जेएसपी के अंदर हमें बहुत सारे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट मिले हैं, राइट, और कुछ इनबिल्ट टैग भी मिले हैं, राइट. जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली बताता हूँ गाइज. सेकेंड, राइट, इन सर्वलेट right, manage the presentation layer and business logic layer is a very difficult. मतलब servlet में presentation layer मतलब designing part और logical part manage करना थोड़ा difficult होता है. मतलब हमें उसके लिए manually बहुत code लिखना पड़ता है और complicated होता है वो. But in JSP we have the facility separate the presentation layer or a designing layer and a business logic layer. Okay, मतलब JSP में हमें presentation layer और business logic layer separation की बहुत अच्छी तरीके से facilities है. Guys, जो आने वाले videos है, मैं ये हर एक point में आपको आने वाले video में practically करके दिखाता हूँ और तब हम इसका repeat से जिक्र करते हैं. Then I can revise it. Okay, then third. Okay, right, in JSP we not need to write manual XML configuration for pages, not need to recompile on every change, etc. So JSP, right, development is faster than
as compared with a servlet. Okay, but guys, we have a very more important point. Note, JSP is a internally servlet. देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. मतलब हम कहते हैं JSP, लेकिन ये JSP इंटरनली एज अ सर्वलेट ही काम करता है. हाउ, मैं आपको समझाता हूं गाइस. देखिए राइट, वी हैव अ टू यूजर्स. मेरे पास दो यूजर हैं. मान लीजिए इट इज माई डेवलपर और इट इज माई प्रोग्रामर. ओके, आई कैन राइट हियर, इट इज माई डेवलपर. ओके, एंड कंसिडर इट इज योर सर्वर. That is your server or Apache Tomcat. So what happened between them? क्या होता है, ये जो developer है, ये developer पहले JSP का पेज लिखता है. ये developer क्या लिखेगा? JSP पेज लिखेगा और इसके अंदर अपना logic लिखेगा JSP के अंदर. Okay. उसके बाद ये JSP पेज इंटरनली JSP कंटेनर के पास जाता है. ये JSP का पेज इंटरनली किसके पास जाएगा? JSP कंटेनर के पास जाता है. फिर ये JSP कंटेनर इसे सर्वलेट में कन्वर्ट करता है. फिर इस सर्वलेट की डॉट क्लास बनती है, मींस ये कंपाइल हो जाता है. फिर ये सर्वलेट सर्वलेट कंटेनर के पास जाता है, मतलब टॉमकैट के पास जाता है. सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगा एंड देन इट इज डिप्लॉयड ऑन अ सर्वर. और बाद में फिर ये सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होता है. मतलब गाइस, ये इंटरनल वर्किंग प्रोसेस है जेएसपी की. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली दिखाता हूं. मतलब व्हाट हैपन हियर गाइस, ओके, व्हाट हैपन हियर कि जैसे, मतलब मान लीजिए हमें लगता है कि हमने जेएसपी रन किया, लेकिन इंटरनली जब टॉम कैट एग्जीक्यूट करेगा तो टॉम कैट इसे एज अ सर्वलेट ही एग्जीक्यूट करेगा. आर अंडरस्टैंड? यस. सो इट इज अ वर्किंग प्रोसेस ऑफ ए जेएसपी इंटरनली. अंडरस्टैंड? यस गाइस. तो मतलब ये इस तरीके से जेएसपी वर्क करता है. फिर सवाल ये आता है गाइस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट द जेएसपी पेज टू सर्वलेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट द जेएसपी पेज टू सर्वलेट? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जेएसपी पेज को सर्वलेट में कन्वर्ट करने के लिए? ऐसे कहते हैं, जेएसपी कंटेनर is responsible for migrate the JSP page to servlet. Fir guys, we have another question. What is the JSP container? Yes or no? Fir bahut important question aata hai ki JSP container kaun hai? Aise kehte hai, JSP container is inbuilt API or packages which contain the logics to manage the overall activity of a JSP, like as convert JSP to servlet, manage the life cycle of a JSP, etc. ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, रोल होते हैं JSP कंटेनर के. बट इन द केस ऑफ Apache Tomcat, Jasper.jar file work as a JSP container. अगर हम Apache Tomcat की बात करते हैं, तो Jasper.jar ये जो फाइल है, यही फाइल एज अ JSP कंटेनर काम करेगी. दिस फाइल प्रेजेंट इन Tomcat/lib folder. दिखाता हूं गाइस, आप माय कंप्यूटर में चले जाए, C drive, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे टॉमकैट, लिब के अंदर जाइए. यहां पे देखिए आपको Jasper.jar मिलेगा है. आप इसे एक्सट्रैक्ट कीजिए. एस टू ऑल,
फिर जैसे भी एक्स्ट्रा डॉट देखिए जैस्पर डॉट ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट जैस्पर डॉट रन टाइम डॉट ये देखिए, मतलब ये जो पैकेज है, ये जो एपीआई है, इसी एपीआई के अंदर आपके राइट इसी एपीआई के अंदर आपके आर यू क्लियर नॉट लॉजिक्स होते हैं कि जो जेएसपी की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्वलेट जेएसपी कंटेनर इज एन इनबिल्ट एपीआई और पैकेजेस, इट हैज एबिलिटी टू मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ जेएसपी एंड सो दिस इज द मेजर रीजन पीपल से इट इज अ जेएसपी कंटेनर। आर यू क्लियर और नॉट? सो गाइज इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन और वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रन जेएसपी प्रोग्राम, how to create and run JSP program, and second, how JSP page convert into servlet. ये दो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल गिरी स्टैक अप फॉर मोर वीडियोज। ओके।